छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों की बसाहट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कवर्धा से पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर भाजपा ने प्रदेश में झूठी कहानी फैलाई। कवर्धा ही नहीं बल्कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की बात भाजपा द्वारा कही गई थी। मोहम्मद अकबर ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान को उनके निर्वाचन क्षेत्र में बसाने का आरोप है, लेकिन यह सिर्फ राजनीति है। भाजपा बताया कि कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुसलमान दिखाई दिए क्या? यदि प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान है तो भाजपा को पकड़कर दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और यदि रोहिंग्या मुसलमान है तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ।